हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बॉटल आर्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बॉटल को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और ये मैंने लिया है जैसो, जिसे मैंने वॉल पुट्टी और फेविकॉल को मिक्स करके बनाया है। और स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरीके से डैब करते हुए मैं बॉटल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इससे एक खूबसूरत सा टेक्स्चर इसके ऊपर क्रिएट हो गया है। हमारी बॉटल अच्छी तरीके से सूख गई है। ये मैंने पेपर पर राजस्थानी टर्बन मैन का एक डिज़ाइन ड्रॉ किया है और अब इस डिज़ाइन को मैं बॉटल के ऊपर ट्रेस कर रही हूँ। बॉटल के ऊपर टेक्स्चर होने की वजह से डिज़ाइन एकदम क्लियर इस पर नहीं आ पाता है, तो उसे पेंसिल से क्लियर कर लेंगे। इसकी पगड़ी को 3D लुक देने के लिए यहाँ पर मैं एयर ड्राई क्ले का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी एयर ड्राई क्ले का यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। मार्केट में इस तरीके के क्ले आपको मिल जाएंगे जिसमें दो पैकेट होते हैं और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में कट करके हमें मिक्स करना होता है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल इस तरीके के क्ले को यूज़ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें थोड़े थोड़ा करके ही हमें मिक्स करना है, क्योंकि ये क्ले बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और एक बार क्ले ड्राई हो गया तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। और इसके कुर्ते को बनाने के लिए मैं टील ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। क्ले को उंगलियों से रोल करते हुए इस तरीके से हम पतली पतली सी कॉइल बना लेंगे और यहाँ पर मैं इसकी एक आउटलाइन बना रही हूँ। क्ले को इसमें स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर क्ले टूल का यूज़ करते हुए मैंने इसके ऊपर टेक्सचर दे दिया है। टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर टूथपिक या फिर सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी इसका जॉइंट आएगा उसे गीले हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि वो दिखे ना। और बॉटल के ऊपर की साइड भी मैंने इसी तरीके से पतली कॉइल बनाकर लगा दी है। और यहाँ पर मैं ब्राउन कलर से थोड़ा इसके फेस को डिटेलिंग दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने कटर की हेल्प से कुछ स्मॉल फ्लावर कट कर लिए हैं। फ्लावर्स लगाने से बॉटल में जो लिखा हुआ है वो भी कवर हो गया है और हमारा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी रेडी हो गया है। ये मैंने क्ले में ब्लैक कलर मिक्स किया है और इससे मैं इसकी आईब्रोज बना रही हूँ। चाहे तो बाद में भी क्ले के ऊपर कलर कर सकते हैं। यहाँ मैं इसका फेस रेडी कर रही हूँ और थोड़ा और इसमें डिटेल ऐड कर लेंगे। और अब मैं इसकी मूछें रेडी कर रही हूँ और थोड़ा बड़ी बड़ी सी मूछें हमें इसकी बनानी है। और अब हम रेडी करेंगे इनका चश्मा। तो उसके लिए मैंने बीच में थोड़ा सा क्ले इसमें लगाया है और इसके चश्मे के लिए मैंने यहाँ पर मिरर का यूज़ किया है। राजस्थानी कल्चर में जेंट्स लोग भी कान में टॉप्स पहनते हैं, तो मैंने इसके छोटे छोटे से टॉप्स बना दिए हैं। अब इनके हाथों को भी आउटलाइन देकर हम शेप दे देंगे। और यहाँ डार्क ब्लू कलर का यूज़ करके मैं इसके कुर्ते और आस्तीन को शेप दे रही हूँ। क्ले जब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तभी इसके ऊपर हमें कलर करना है। और पगड़ी अभी अच्छी तरीके से सूख गई है तो मैं इसके ऊपर कलर स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्रिम्सन रेड और ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। इनके कपड़ों के लिए हमें ब्राइट कलर ही यूज़ करने हैं और इसकी बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर मैं लेमन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। बॉटल की जो आउटलाइन मैंने बनाई है उसमें भी मैं क्रिम्सन रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। स्पॉन्ज से इस तरीके से डैप करते हुए हमें इस पर कलर करना है और इसके बेस में यहाँ पर मैं टील ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी हो जाए। और इनकी पगड़ी को अब थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर से छोटे छोटे से डॉट्स डाल दिए हैं और इन फ्लावर्स को भी मैं वाइट कलर से ही पेंट कर रही हूँ। तो हमारी बॉटल बनकर अभी रेडी हो गई है। और अपने दूसरे DIY के लिए मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने ली है एक स्टिक। न्यूज़पेपर को मैंने रेक्टेंगल शेप में कट किया है और स्टिक को पेपर पर रखकर इस तरीके से पेपर को रोल करते जाएंगे और लास्ट में इसमें ग्लू लगाकर उसे सील कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने कुछ और भी स्टिक्स रेडी कर लिए हैं। बॉटल पर इस तरीके से लपेट कर मैंने इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है। इससे क्या होगा कि हमें इसे लपेटने में थोड़ा इजी रहेगा। जहाँ पर भी इसका एंड आएगा तो वहाँ पर हम फेविकोल लगाकर दूसरे सिरे को इसमें अटैच कर देंगे। जितना बड़ा हमें सर्कल बनाना है उस हिसाब से हम इसमें रोल ऐड करते जाएंगे। अब जितना सर्कल मुझे बनाना था वो कंप्लीट हो गया है और रबर बैंड लगाकर मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। और ये मैंने लिया है जैसो और पैलेट नाइफ की हेल्प से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। अच्छी तरीके से इसे कवर करना है। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसो कैसे रेडी करना है तो उसका एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उंगलियों से पूरे सरफेस पर मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया है और जब एक साइड से सूख जाए तो दूसरी साइड भी हम इसे कवर कर लेंगे। और इसकी साइड्स पर मैंने थिक लेयर अप्लाई की है। पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरीके से इसके ऊपर टेक्सचर दे देंगे। अभी ये अच्छी तरीके से सूख गया है तो अब मैं इसके ऊपर कलर स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके बेस के लिए मैंने वाइट और ब्राउन को मिक्स करके यूज़ किया है और इसके चारों तरफ मैंने ब्राउन कलर से बॉर्डर दे दिया है। इसकी साइड्स को मैं डार्क ब्राउन कलर से कवर कर रही हूँ और इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई किया है। ये देखिए, एकदम रॉ वुड कटआउट की तरह इसका लुक आ गया है। और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर की कुछ बर्ड्स बना रही हूँ। एकदम सिंपल डिजाइन मैंने इसके अंदर बनाया है। और इसके दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से एक सिंपल सा डिजाइन बना लिया है। इसमें एक ब्रांच में बना रही हूँ और उसमें मैंने कुछ लीव्स और कुछ फ्लावर्स इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि हम इसे दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। ब्रश में हल्का सा प्रेशर डालते हुए मैंने यहाँ पर इसमें फ्लावर्स और लीव्स ड्रॉ किए हैं। ज़्यादा डिटेल वर्क मैंने इसमें नहीं किया है। तो ये हमारा एक रॉ वुड के लुक वाला एक सुंदर सा कोस्टर बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, दोनों DIY में से आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।